जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण सीरीज विविध एंड सामान्य ध्यान की सीरीज शुरू कर पढ़ रहे थे, जो 50 नंबर के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आज हम लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न आते हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद फिर भविष्य में आपको अलग से अन्य कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माने फिर कभी आपको राष्ट्रपति अलग किताब से पढ़ने नहीं पड़ेगी, सरकार लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन की एक यादगार वीडियो बनने जा रही है, क्योंकि उन्हीं के लिए वीडियो है ये। वीडियो वही अंत तक देखे जिनको वास्तव में एक सीट लेनी है, अपने लिए एक सरकारी नौकरी लेनी है और यहाँ से प्रश्न बाहर ना जाए। तो चलिए, मैं दुर्गेश जायसवाल एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में एलएनए में दुर्गेश पर प्रतिदिन 9:30 बजे फ्री क्लास लेकर आपके लिए आता हूँ, ताकि आप भी बेहतर शिक्षक बन सके और समाज में एक अपना योगदान दे सके, गरीब परिवार के बच्चों को उनकी शिक्षा दे सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। आपके सामने है पहला, ये राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्णय है वो कौन करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि चुनाव के निर्णय की बात किया जाए, यहाँ पे एक शब्द है जो छूटा हुआ है, छुपा हुआ है। ऐसे चुनाव का निर्णय, राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। लेकिन चुनाव संबंधित यदि कोई विवाद हो जाए, तो संविधान का एक अनुच्छेद है 71(1), जहाँ पे राष्ट्र निर्वाचन कोई भी शंका या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय निश्चयन विनिश्चयन वो किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है या सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोनों बात याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उत्पन्न हो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की बात किया जाए तो यह भारत का चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग करता है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा, अगर आपको सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अपने सभी साथियों के 10-10 लोगों को प्रतिदिन क्लास में जोड़ना है। आगे बढ़ने अगले प्रश्न की तरफ, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, अगर आप लिखना चाहते लिखते चलिएगा, संविधान का जो अनुच्छेद है राष्ट्र ये 58 में, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उनकी अर्हताएं तय की गई है, और उनकी अर्हताएं क्या होंगी, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, संसद द्वारा बनाए गए विधि का पालन करता हो, और वह राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए, यहाँ पर कई प्रश्न है, कई विकल्प होगा। अगर 30 वर्ष के लिए किया जाए तो यह होगा राज्यसभा, क्या होगा राज्यसभा या विधान परिषद, या क्या होगा विधान परिषद होगा, ठीक। इसलिए यह विकल्प आपका गलत। 21 होगा पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो 35 वर्ष होगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए है क्या है, वह है 35 वर्ष, माने कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक प्रश्न यहाँ पे और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम उम्र सीमा कोई निश्चित नहीं है, वो 100 साल हो, 200 साल का हो, 500 साल का हो, मृत्युशैया पर बैठा हो, यदि वह अन्य अर्हताओं को पूरा करता है तो भारत राष्ट्रपति बन सकता है। यह बात आप लोग भली भांति याद रखेगा, क्योंकि उसकी अंतिम जो आयु है उसका निर्धारण भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, केवल उसकी न्यूनतम आयु सीमा की बात की गई है जो कितना है, 35 वर्ष है, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर वास्तव में आप सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता अपने आप में महसूस करते हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करने के बाद इसे पहला काम शेयर कर दे, ताकि हम आपको पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ क्लास को बड़ा कर सके। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, स्टेटस में और फेसबुक पेज पर जरूर डाल दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन से थे, ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, ये कौन से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे,
ठीक है, ये भी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा का पदेन सभापति ये पहले थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम सही, एकदम हलवा उत्तर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या भारत के पहले राष्ट्रपति थे? जी हाँ, ये भारत एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1952 से लेकर 57 तक, फिर 1957 से लेकर 1962 तक, मतलब दो कार्यकाल तक के राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और इनकी बात, एक बात और याद रखिएगा, ये संविधान सभा द्वारा, भारत के संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान सभा द्वारा इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और ये निर्वाचित हुए थे। देखा जाए तो ये 3 बार राष्ट्रपति हुए थे। कितनी बार? 3 बार। कैसे? पहली बार संविधान सभा द्वारा, पहली बार संविधान सभा द्वारा चुनाव नहीं हुआ था, फिर दोबारा चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर 1952 से लेकर 57 तक थे, 57 तक, फिर 1957 से लेकर 62 तक। ऐसे कार्यकाल तो 2 बार होगा ना, 2 बार, लेकिन संविधान सभा भी द्वारा होता है 1 बार। वैसे देखा जाए आम बोलचाल की भाषा में तो 3 बार होगा, लेकिन ऐसे हम लोग हमेशा 2 कार्यकाल की बात करी जाए तो पूर्ण कार्यकाल इन्होंने क्या दिया था कि इसका कार्यकाल कितना था, ये 2 बार हुआ था। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन राष्ट्रपिता नाम से जाना जाता है। एम के गांधी माने मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें नोट पर आपने देखा, इन्हें बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, बापू किसने कहा था और राष्ट्रपिता किसने कहा था? यहाँ से आपकी परीक्षा में 3 प्रश्न बनेंगे। इन 3ों प्रश्न को आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस वीडियो को से सरकारी शिक्षक या अध्यापक अध्यापिका बन सकते हैं तो फिर से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी मेहनत का फल उन सभी गरीब परिवार को मिलना चाहिए जो प्रतिदिन 9:30 बजे का इंतजार करते हैं कि वह 9:30 बजेगा और आपको एक बेहतर सीरीज मिलेगी जिससे शिक्षक भर्ती में आपका एक स्थान फिक्स होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति आर के नारायण किस क्रम में राष्ट्रपति हुए थे? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। अगर हम ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति किस क्रम में बने थे तो चलिए उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे अगर के आर नारायण की अगर हम बात करते हैं तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो आप लोग से को बताना है कि रामनाथ कोविंद भारत के, देखिए दो क्रम होता है, क्रम कौन सा होता है? देखिए क्रम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो क्रम आपको बताना होगा। क्रम क्या है? पहला व्यक्ति, फिर पद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा था, व्यक्ति क्रम पे चौथे स्थान पर है और पद क्रम के आधार पर किस पर है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद वर्तमान में जो हैं वो व्यक्ति के आधार पे चौथे नंबर पे आते हैं और पद के आधार पर किस क्रम में आते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनेगा, दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन पे देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे, आगामी भर्ती परीक्षा में यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। लोग कंफ्यूज होते हैं, 2 प्रश्न के अलग अलग उत्तर होते हैं, व्यक्ति के आधार पर और पद के आधार पर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 10वें व्यक्ति थे, ध्यान दीजिएगा, के आर नारायण 10वें व्यक्ति थे। ठीक है, कौन से? ये 10वें व्यक्ति थे, ये 10वें व्यक्ति थे, व्यक्ति, लेकिन पद के हिसाब से 11वां था। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार हो गए थे, राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल हो गए थे, तो ये कार्य पद तो 2 हुआ, व्यक्ति 1 हो गया। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको बताना है। जैसे यहां पे मैंने बताया आर के नारायण, अगर पद व्यक्ति देखा जाए तो 10वां और पद देखा जाए तो 11वां। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? एकदम आसान प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग, क्योंकि ये वीडियो, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। जितने भी लोग भविष्य में एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं वे सभी टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड जुड़ जाएंगे, या दुर्गेश सर सर्च करके जोड़ सकते हैं, फ्री क्लास आपकी डेली चलती है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? देखिए अगर द्वितीय राष्ट्रपति की हम बात करें, भारत की अगर द्वितीय राष्ट्रपति की हम बात करते हैं कि कौन था, तो
ये एस राधा कृष्णन थे। इनके बारे में आपको जानना चाहिए कि यह पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, दो कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति थे, तीसरे में ये चलकर भारत के स्वतंत्र भारत के ये 1962 से लेकर 1967 तक भारत के ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका तीसरा कार्यकाल था, दो कार्यकाल तक के उपराष्ट्रपति थे, 52 से 57 ठीक है। और इनके बारे में और अगर आप कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, और इन्हीं के नाते हम लोग एक दिवस मनाते हैं, तो बताइए एस राधा कृष्णन के नाम पे कौन सा दिवस मनाते हैं। जाकिर हुसैन भारत एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाला पहला व्यक्ति जाकिर हुसैन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। फखरुद्दीन अली अहमद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके समय, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आपातकाल की घोषणा किया था पूरे भारत में, कब? 25 जून 1975 में। बीबी गिरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो द्वितीय चक्र की मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो मैंने चारों विकल्प को, चारों प्रश्नों को व्याख्या आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपके परीक्षा में, इससे बाहर भर्ती परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोगों ने, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। देखिए, लाइक करेंगे तो ना आपका पैसा कटेगा, ना मुझे मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं रात को 9:30 बजे अपना सारा काम छोड़कर जब ईमानदारी से पढ़ाने आऊँगा तो आप लोग उस चीज़ को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और कुछ भी नहीं है। और आपके अंदर अगर सरकारी अध्यापक बनने के गुण होंगे तो आप इतनी मदद जरूर करेंगे। हम आगे कर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इससे बेहतर कोई YouTube चैनल पर पढ़ा दे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बेहतर अगर GS की सीरीज कोई पढ़ा दे, विविध और GS 50 नंबर का, जो सुपर टेट में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ठीक है, भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? आपको पता होना चाहिए, ऊपर हम लोगों ने दो लोगों की बात की थी, एक बात की थी बीवी गिरी, तो बीवी गिरी के साथ नीलम सज्जी रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन द्वितीय चक्र की मतगणना पर बीवी गिरी जीतते, नीलम सज्जी रेड्डी हारते हैं। फिर एक कार्यकाल के बाद ये भारत के सातवां राष्ट्रपति कौन था पता है? नीलम संजीव रेड्डी। पहले मैं इनको महिला मानता था, बाद में पता चला कि नहीं नहीं बाद में जब हम लोग पढ़े बड़े हुए तो ये पुरुष हैं, नीलम संजीव रेड्डी है। ये भारत के पहले क्या थे? ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने थे। कब? ये था 1977, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद ये इनका हुआ था, ये था। ठीक है, दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको जानना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष। शंकर दयाल शर्मा भारत के मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चार प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया, चार PM को शपथ दिलाया। ध्यान दीजिएगा, शंकर दयाल शर्मा एकमात्र भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चार PM, चार प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाया। APJ अब्दुल कलाम भारतीय राष्ट्रपति ऐसे थे जो वैज्ञानिक थे, इन्हें हम मिसाइल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अब जरा कमेंट करके बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? मैंने जितना तोड़ कर आपको पढ़ाया, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उससे ज़्यादा आपको देने का प्रयास करूँगा। मैं ये हमेशा प्रयास करूँगा कि आज की क्लास देने के बाद भविष्य में कभी भी भविष्य में यहाँ से अगर प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए, मेरा पहला टारगेट है। भले वीडियो को लाइक मत करिए, भले वीडियो को शेयर मत करिए, लेकिन हम अपने तरफ से एक भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी अंतरात्मा ये जरूर कहेगी कि नहीं, इस क्लास को शेयर करना चाहिए, इस क्लास को अपने स्टेटस पर लगाना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए, सिक्स्थ प्रेसिडेंट जो हैं वो व्यक्ति के आधार पर हैं, क्रम के आधार पर वे सातवें हैं। ये दोनों बातें आप लोग को, हमें और आपको जाननी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दे, एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करें। देखिए, ऑनलाइन संबंधित यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्लास नोट्स, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, ये जौनपुर चलती है। मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है प्रतिदिन 9:30 बजे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की। देखिएगा, भारत राष्ट्र का मुखिया होता है, ये कहाँ कहा गया है? ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का पहला नागरिक होगा और ये तीनों सेनाओं का नायक होगा। सरकार का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्र और सरकार का मुखिया ये नहीं होता, तो ये होगा ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का जो
जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का मुखिया होता है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। इसलिए आप भविष्य में अगर ऐसा प्रश्न आए तो गलती मत करिएगा मेरे प्यारे साथी मित्रों, भविष्य के सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, अगर ऐसा प्रश्न आए तो गलती मत करिएगा। ये राष्ट्र का मुखिया होता है, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का नायक होता है। और ये कहाँ दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका निर्णय कहा है, जहाँ पे कहा गया है, अनुच्छेद 52 ही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर ले, ये फेसबुक पर यूट्यूब पे फ्री लाइव चल रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला प्रश्न सामने है, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 56(1) इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति अपना संबोधन हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र किसको सौंपेगा? जी हाँ मेरे प्यारे साथी मित्रों, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, इसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा और अधिकतम छह माह तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। उसके पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अगले राष्ट्रपति के चुनाव होने तक ये क्या होगा? कार्यवाहक की भूमिका निभा सकते हैं। जिस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं उस समय वेतन भत्ते सब राष्ट्रपति का मिलता है, किंतु ये उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपसभापति कोई ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति भी कोई उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, ऐसा कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए भारत का प्रथम प्रधान न्यायाधीश होता है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इससे बेहतर पूरे प्रदेश में कोई भी यूट्यूब चैनल वाला शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लेकर सामान्य अध्ययन की सीरीज ऐसे पढ़ा दे, 50 नंबर विवेक जीएस करंट की सीरीज ऐसे पढ़ा दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके भविष्य को लेकर, मेरा उद्देश्य है आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचाना, मेरा उद्देश्य है और आपका उद्देश्य क्या है कि बस आपको अपना बेहतर देते रहना है, कॉपी कलम लेकर बैठना है, तथ्य को लिखते चलना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने समय के अंदर उस पद को भरना जरूरी है? सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जिन साथियों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, ईश्वर करे अगली शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान जरूर से जरूर फिक्स हो। बाकी जितने लोगों ने ऑनलाइन किया है, भगवान उनकी बुद्धि विवेक ऐसे ही बनाए रहे, वो परीक्षा हाल में भी सही गोले को गलत गोला खराएं, क्योंकि उनकी मनोदशा ऐसी होती है, उनकी सोच नकारात्मक होती है, और अच्छे लोग अच्छी जगह जाएं, क्योंकि बुरे लोग जाएंगे तो बेसिक शिक्षा को भी और तहस नहस कर देंगे, इसीलिए अच्छे लोग अच्छे जगह जाएं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 62, जी हां संविधान का अनुच्छेद 62 दो में यह कहा गया है कि यदि भारत का कोई भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, पद तीन तरह से खाली होता है, कैसे? यदि मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देता है, या महाभियोग। इन तीन प्रक्रिया से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, और यदि तीन तरीकों से यदि राष्ट्रपति का पद किसी प्रकार से खाली होता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है, और तब तक उसको उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा। महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 62 में है, महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 62 में त्यागपत्र या मृत्यु, इन तीन दशा में ही वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका और 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
अच्छा लगा। चलिए थैंक यू सैफ़ाइली साफ़ाइली गुप्ता जी, थैंक यू आपका सपोर्ट किया अपने इस लेक्चर को। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है। मैं टीचर हूँ तो लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ को गलत जब तक नहीं परिणाम मिलेगा तो लोग हमेशा गलत करेंगे। इसलिए भारत में आईपीसी है, आपने पता है आईपीसी का फुल फॉर्म, एक होता है अनुच्छेद, एक होता है जैसे आर्टिकल्स होता है, ठीक है, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। गलत काम करने वाले को सजा देने का प्रावधान आईपीसी करती है, भारतीय संविधान नहीं करती, याद रखिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आईपीसी क्या होती है, इंडियन पैनल कोड होता है। इंडियन पैनल कोड का काम होता है लोगों को सजा देने का काम, ये राष्ट्रपति नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर अगर बुरे लोग को सजा का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो पूरा समाज गंदगी से भर जाएगा, तो गंदगी हमेशा छाटनी चाहिए, ठीक है, गंदगी हमेशा छाटनी चाहिए। यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संभालता है, यह प्रश्न आना है और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी, आगे हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी, लोकसभा के सभापति को स्पीकर कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से निर्वाचन आयोग 324 के दिया गया, आगे भी दिया गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का पहला ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहा है, एम हिदायतुल्ला। भारत एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, बने हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो उस समय क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इस समय हुआ क्या था, ध्यान दीजिएगा, जब जाकिर हुसैन सर की मृत्यु हुई थी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उस दशा में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने के नाते मुख्य उस समय थे तो एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, पहली बार एम हिदायतुल्ला को बनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर शीर्ष का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न मैंने ऊपर अभी बताया था। भारतीय संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 65 में, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि यह 6 माह तक ही राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कितना बन सकता है, 6 माह तक। तो दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा कि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति, ये कहाँ कहा गया है, ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है, ठीक है, जबकि 6 माह की बात अनुच्छेद 62 में कहा गया है, ठीक है। दोनों बातें आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रायः परीक्षा में गलती हो जाती है, लोग नहीं समझ पाते। तो ये अधिकतम 6 माह होगा, कितना होगा, 6 माह होगा। इसलिए जिन साथियों ने, ठीक, इसका उत्तर क्या होगा, शीश का राइट आंसर होगा, शीश प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। चुनाव भी 3 तरह का होता है, अभी मैं अभी चुनाव समझाऊंगा। चुनाव भी भारत में 3 तरह का होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। इस पर मैं छोटा सा कहानी भी सुनाऊंगा, भारत में जो घटना घट चुकी है। सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि देखिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि सभी साथी वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें सभी साथियों से। यार आप एक शिक्षक बनने जा रहे, कुछ तो समझिए, इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पर अगर क्लास मिल जाए तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर नहीं मिलेगा, शिक्षक भर्ती की 50 नंबर इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो भैया इतना मदद जरूर किया करिए ताकि हम लोग भी प्रमोट हो और मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाएं। अगर आपकी संख्या इसे निरंतर कम रहेगी, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, तो मैं भी तो इंसान हूँ आपकी तरह, मेरे पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, किसी भी समय राष्ट्रपति, मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझिएगा ध्यान से एकदम, कुछ देर टाइपिंग रोक के। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किससे, जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। किससे,
किससे परामर्श मांग सकता है, कौन, राष्ट्रपति, लेकिन किसमें, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन एक मामला आया था भारत सरकार बनाम बाबरी मस्जिद, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि बाबरी मस्जिद, भारत सरकार बनाम बाबरी मस्जिद के मामला है, तो जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान से पढ़ा और ये कहा, अनुच्छेद 143 में बात कही गई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई बात कह देता है तो भारतीय संविधान का हिस्सा माना जाता है और वह कानून का रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी, यस्सी भी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। यह बात पता चला कब, अब अनुच्छेद 143 में। दोनों बात हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों बात यहाँ पे पता चली कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य भी नहीं है परामर्श देने के लिए और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है परामर्श ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद याद रखिएगा 143। प्राय लोग ऐसे अनुच्छेद को याद रखते हैं, तो यह भी अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छे शिक्षक हैं, ईश्वर करे आप लोग अच्छी जगह जरूर पहुँचे। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं घोषित किया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए डेली क्लास 9:30 बजे चलती है, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, जितने लोग को वास्तव में सरकारी शिक्षक बनना हो, अध्यापक या अध्यापिका बनना हो, 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे, क्योंकि GS 50 नंबर की सीरीज होती है जो अपने आप में अनंत महासागर होता है, इसकी कोई भी ओर छोर नहीं होती, लेकिन हम हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षा में आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कॉपी कलम लेकर डेली 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए। देखिए विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे या फसाद की वजह से आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है, वहीं राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला ये अनुच्छेद 356 ये भी राष्ट्रपति लगा सकता है, फिर वित्तीय स्थिरता, भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आपातकाल जो होता है अभी तक भारत में नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 ये भी राष्ट्रपति लगा सकता है। ये तीनों आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में है, कहाँ पे हैं, भाग 18 में, इसलिए इसका विकल्प होना चाहिए था उपरोक्त सभी, क्या होना चाहिए था, उपरोक्त सभी होना चाहिए था, लेकिन यह विकल्प नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही हैं, माने डी वाले, ठीक है, डी वाले इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए क्या कितने लोग को समझ में आया, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, उपरोक्त सभी होना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पर सही हैं, समझ में आया, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ 352 356 360 ये तीनों राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की स्तुति पर लगा सकता है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं नहीं लगा सकता, वो किसकी लगा सकता है, मंत्रिमंडल की संतुति पर, याद रखिएगा इसकी, ये तीनों ध्यान दीजिएगा, बिना मंत्रिमंडल के संतुति के, मंत्रिमंडल के संस्तुति के राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, इन तीनों को लगाने के लिए मंत्रिमंडल की संस्तुति जरूरी है, क्या है, तीनों लोग को लगाने के लिए मंत्रिमंडल की संस्तुति जरूरी है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं लगा सकता कोई भी आपातकाल, राष्ट्रपति स्वयं नहीं लगा सकता, न ये लगा सकता, न ये किससे लगा सकता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सबको यह बात समझ में ऑल राइट नहीं है, कुछ लोग कहेंगे सर उपरोक्त सभी होता, जी नहीं, जब तक इसमें यह ना दे कि मंत्रिमंडल की सलाह पर, राष्ट्रपति लगा तो सकता है लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर, इस टॉपिक को याद रखिएगा, यह की पॉइंट याद रखिएगा, वरना ये मत कहिएगा सर ने ये तो पढ़ाया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, एकदम आसान प्रश्न है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, ठीक। देखिए इसका वर्णन कहाँ कहा गया है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में है,
भारत के राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान, इसे शपथ या प्रतिज्ञान कहता है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संविधान के, भारत के संविधान की रक्षा में प्रतिरक्षा करूंगा। तो ये कहाँ पे अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। मैं अमुक का मतलब मैं दुर्गे जायसवाल ईश्वर से शपथ ले, ईश्वर से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा करूंगा। तो यहाँ पे समझ में आप लोग को, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे हम CJI के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठम न्यायाधीश जो होंगे, जो वरिष्ठम न्यायाधीश होंगे, लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों को, ठीक, बहुत अच्छा लगा आप लोग को, ऐसे ही आप लोग अपना साथ बनाए रहिएगा, यकीनन हम आपको सफलता तक जरूर ले चलेंगे। यार आप लोग इतनी मेहनत करते 1000 ज़्यादा संख्या पहुंचा सकते हैं, केवल अगर 10 लोग को आप एक दिन में ऐड करेंगे ना अपने साथी को, तो ये 5000 से भी ज़्यादा चला जाएगा डेली। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन, इसमें से भारत का राष्ट्रपति रहा है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए कौन भारत के राष्ट्रपति हैं। देखिए कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, ये थोड़ा सा प्रश्न में गलती हो गई है, मतलब इसमें ये एक कहने का मतलब ये था कि कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कमी रह गई, पूरे टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, सभी लोग फटाफट कॉमेंट करिएगा कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जी हाँ मेरे देश के प्यारे अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप लोग सरकारी शिक्षक बनने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें यह सीरीज आपकी मील का पत्थर साबित होगा। यकीनन आप परीक्षा में जब भी जाएंगे याद करेंगे और अपने आने वाले हर लोगों को बताएंगे कि सामान्य ज्ञान की सीरीज अगर पढ़ना है, करंट अवेयरनेस पढ़ना है, विविध पढ़ना है, इन लर्निंग भी दुर्गेश के अलावा कहीं मत जाइए, यकीन मुझे इस बात का भरोसा है, आज नहीं कल आप लोग भी ये बात कहेंगे। देखिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, जो देश के नाम संदेश देते हैं, वो आपने सुना होगा, राष्ट्रपति संसद का जब सत्र की शुरुआत होती है अपना अभिभाषण से संसद को संबोधित करता है। इसमें इस अभिभाषण में सरकार की नीतियां सदन के सामने रखता है, नीतियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोग द्वारा तैयार कराता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार कराया जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा कराया जाता है। इसलिए इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही जवाब होगा। देख लीजिएगा कहीं भी कभी भी भविष्य में गलती ना हो, राष्ट्रपति आपने देखा होगा कि हमेशा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करता है। क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्या यहाँ से आपको कोई दिक्कत है, क्या यहाँ से कोई समस्या है, अगर हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। शांति करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने संख्या या सहयोग नहीं बढ़ाया तो मैं वीडियो में 10 मिनट और में पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आज की क्लास बंद कर दूंगा। कल हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे तब संसद, क्योंकि मैं चाहूँगा थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तब राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि यह राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, शांति का फैसला कानूनी रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति करता है, पता है क्यों, क्योंकि तीनों सेनाओं का नायक होता है। ये क्या होता है, तीनों सेनाओं का नायक होता है। जब तीनों सेनाओं का नायक होगा तो क्या करेगा, युद्ध का ऐलान, युद्ध की समाप्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा ना, ये आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि तीनों सेनाओं का नायक होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जरूर जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए ऑनलाइन संबंधित यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ये ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है और मेरी क्लासेस एज ए फ्री मिलती हैं आप 9:30 बजे, अन्य भी टाइम पे आपको में राशिद में
और 9:30 बजे से, ये भी टाइम अपना अलार्म लगा लीजिएगा फ्री क्लास के लिए। आइए इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए अनुच्छेद 53-2 में संघ के रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडेंट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो प्रेसिडेंट होगा या राष्ट्रपति, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, ये अनुच्छेद 53-2 में है। अनुच्छेद 53-2 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 53-2 होगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहूँगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में, 1954 में भारत रत्न मिला था, और ये भारत रत्न मिला था, और ये राष्ट्रपति बने थे 1962 से लेकर 67 तक थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ध्यान दीजिएगा, ये अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला था कब? 1997 में, 1997 में भारत रत्न मिला था, में भारत रत्न मिला था ना। लेकिन ये राष्ट्रपति बने थे कब? अगर यहाँ पे राष्ट्रपति पूछ दिया जाए, ये 2002 से 2007 तक थे, 2002 से 2007 तक ये क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। तो भारत में दो लोग ऐसे हैं, मेरी बात को गौर समझने का प्रयास करिएगा, भारत में अभी तक दो राष्ट्रपति ऐसे हैं। पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था, 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। लेकिन दूसरे व्यक्ति देखा जाए, दूसरा कोई व्यक्ति कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में भारत रत्न मिला था, और ये राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 तक हुए। इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक भी थे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले व्यक्ति हैं। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं और संविधान सभा द्वारा बनाए गए थे। वीवी गिरी। अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, पूछ ले जाएगा। मैं चारों विकल्प की व्याख्या करता हूँ, और मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं, भविष्य में यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है आप आसानी के साथ कर लें, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। आपको हर हाल में एक सरकारी शिक्षक बनाना है, चाहे अध्यापक अध्यापिका जिस जनपद से हो प्रदेश के। अगला स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद अंतिम निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मैंने ऊपर इसकी व्याख्या किया था। जी हाँ, लेकिन संविधान का अनुच्छेद, मैं यहाँ पे ये फेसबुक पे भी वीडियो लाइव चल रहा है, वहाँ पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी इसे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति के रूप में यदि कोई पद ग्रहण कर लेता है उसके बाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बाद यदि कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन भी जाता है और बाद में उसका चुनाव अवैध हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान उसने जितना भी घोषणा या कार्य किया है उसे अविधि मान्य नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन गया, बाद में उसका चुनाव अवैध हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया काम असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग फटाफट वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा, और विद्या माइक का समय वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हर उस जरूरतमंद तक, हर उस गरीब व्यक्ति तक पहुँचाएगा जिसके माँ बाप ने उसे सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने का सपना सजोया है, उन सभी तक वीडियो पहुँचाना आप सभी का दायित्व धर्म है, जैसे मेरा है 9:30 बजे हर हाल में आपके लिए लाइव आना। कुछ भी करो, खाओ मत खाओ, लेकिन आपकी क्लास जरूर अटेंड करो।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? सभी साथी मित्र मेरे इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पे महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या है? सभी लोग को शायद पता होगा कौन सी प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। महाभियोग माने संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करने के लिए उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और यह संसद के किसी भी सदन में, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा संसद हो गया, ये हमारा क्या है, संसद है। इस संसद में यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। जब भी इसकी सदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो वहाँ पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितने सदस्यों का? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस हस्ताक्षर होने के बाद तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप से उपलब्ध कराना पड़ता है। 14 लिखित रूप से देंगे तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और वह अपने स्वयं अपने कनिष्ठ अधिकारी को इस मामले की संज्ञान के लिए भेज सकता है। उसके बाद दोनों सदनों से यदि 2/3 और 2/3 बहुमत, चाहे पहले राज्यसभा से फिर लोकसभा, चाहे इस राज्यसभा से लोकसभा या पहले लोकसभा से राज्यसभा में पारित होने के बाद यदि दोनों सदनों से ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। और चाहे तो राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी महाभियोग को प्रस्ताव कर अपनी कुल मत संख्या का 2/3 से पारित कर देती है तो यह राष्ट्रपति के पद को रिक्त माना जाएगा और इसकी तत्काल सूचना भारत के लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी और उसके बाद उपराष्ट्रपति को कार्यभार राष्ट्रपति बनाया जाएगा और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस प्रकार हमने आपने देखा ध्यान से, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, एक प्रश्न आ सकता है, संसद की किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? तो याद रखिएगा, संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे फर्स्ट आप लोकसभा में शुरू करिए, चाहे फर्स्ट आप राज्यसभा में शुरू, लेकिन दोनों सदनों से 2/3 से पारित होना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी लोग वाई कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो यह कमेंट करेंगे। हम आपको तब तक समझाएंगे जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सरकारी शिक्षक बनाना है और आपका उद्देश्य आपको अपना बेस्ट और अपना बेहतर देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आपसे ये छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, हम आपको एक सहायक अध्यापक बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी अपना बेहतर देते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रक्रिया दी गई है। अगर मैं भी चुनाव की बात करें तो यहाँ पे ये संसद हो गया, तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे विधानमंडल की बात करें तो यहाँ विधानसभा निर्वाचित सदस्य, दोनों के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ये इसका निर्वाचन मंडल होता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, तो यहाँ पे है लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन 70वां संविधान संशोधन से दिल्ली और पुदुचेरी को भी चुनाव में हिस्सा ले लिया गया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी घोषित हो गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्रशासित प्रदेश जो है वो अब राज्यों के साथ साथ 4 केंद्रशासित प्रदेश हो जाएंगे, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है।
और विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, मान इस प्रश्न का उत्तर डी यहाँ पे सही होगा। देखिए संसद के दोनों सदनों, ठीक, इसके अलावा इसमें एक प्लस होगी जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, विधानसभा, क्या होगी, विधानसभा। साथ ही साथ 70वें संविधान संशोधन दिल्ली और पुदुचेरी, फिर 219 कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो अन्य, मतलब कुल मिलाकर 28 राज्य चांद के साथ प्रदेश होंगे। इसलिए यह विकल्प क्या है, गलत है। ठीक है, यह विकल्प क्या होता है, गलत। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको डी लगाना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा तो गलत मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाए, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि परीक्षा हाल में किसी का गलत ना होने पाए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन दिलाना है, और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा आप लोग यहाँ चाहे जितनी भी गलतियां हो लेकिन परीक्षा हाल में ना होने पाए। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत का राष्ट्रपति किसका सदस्य है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, इसमें से किसी का नहीं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए हम 10 मिनट और क्लास लेंगे, उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे ओवर होगी, क्योंकि आप लोग ने बहुत देर तक मेरा सपोर्ट किया है। देखिए, अगर हम भारत के राष्ट्रपति जो सदस्य होता है, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का हिस्सा होता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, न किसी विधानसभा का होता, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला होता। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, जो भारत का राष्ट्रपति होता है किसका सदस्य होता है, संसद के तीन अंग होते हैं। संसद कितने अंग होते हैं, तीन अंग, एक होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन अंग होते हैं, ये हो गया हमारा संसद। तो संसद के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, यही हमारे तीन अंग हैं। ठीक है, वो किसी का सदस्य नहीं होता, क्लियर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को समस्या हो तब भी पूछ सकता है, क्योंकि हमारा हमेशा उद्देश्य होगा आपको सिलेक्शन के लिए और नज़दीक लेकर चलना। अब बताइए आप लोग, क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं या मैं क्लास ख़त्म करूं, क्योंकि आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके बीच, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की गरिमा को बढ़ाया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किसी ने कहा कि सर बड़े आसान प्रश्न है, तो भैया इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिएगा, मैं ये मानूंगा कि आप लोगों ने सही से इस प्रश्न का जवाब दिया है। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग, जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी तक किसी व्यक्ति ने इस प्रश्न का, एक लोगों ने सही जवाब दिया है, तो शबनम जी आपको थैंक यू। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, एचएम हेदायतुल्ला ये भी रह चुके हैं, वीडी जत्ती, ये दोनों उपराष्ट्रपति, ये दोनों उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, ये भी उपराष्ट्रपति थे, और ये CJI थे, लेकिन ये तीनों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। ठीक है, इन तीनों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। इसलिए यदि आपके मन में वीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, ठीक है, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, इन तीनों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा।
इसलिए जितने लोगों ने इसका उत्तर डी बताया था उनका जवाब सही है, बाकी लोगों का जवाब गलत है। पहले जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो वी वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद एम हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बाद में बी डी जत्ती को भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ अब भविष्य में आपके सामने ये प्रश्न आएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तीन कार्य किया जा सकता है। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे गलती हो जाए, परीक्षा हाल में गलती ना हो, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। आपका उद्देश्य क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसके PDF और क्लास के लिए जो टेट सी टेट सुपर टेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और यहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े जाएंगे। 9:30 बजे आपकी शिक्षक भर्ती क्लास अनंत काल तक निःशुल्क चलती रहेगी अगर आप सहयोग करते रहेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे हमें भी, ताकि मैं अपने हर काम छोड़कर मैं आपको अपना कीमती आपका कीमती वक्त आपके बीच साझा कर सकूँ। देखिए इसमें से आपका बड़ा आसान प्रश्न है, कौन सा कार्य नहीं है? संसद के सामने बजट रखवाना यह राष्ट्रपति का काम है, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, यह अनुच्छेद 85 में है, शायद आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ है? ये आपका है अनुच्छेद 85 में है। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये संविधान के अनुच्छेद 108 में है। कितने में है? 108 में है। संसद के सामने बजट रखवाना, ये अनुच्छेद 112 में है। क्या है? अनुच्छेद 112 में है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं, राज्यसभा कभी विघटित हो ही नहीं सकती। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह बी है, जो गलत है वही सही होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। अब यहाँ से आपके मन में आएगा कि सर यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो पहला प्रश्न आपका बनेगा कि अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न ये है जो सीधा परीक्षा में आपका पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती में, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। राज्यसभा कहाँ पे है दिया गया है? अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान है। 112 संसद के सामने बजट पेश कराना। वैसे इसका पूरा रूप देखा जाए 112(1) में इसका वर्णन किया गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें। यदि कभी भी केंद्र सरकार में कोई भी नियुक्ति पूछे आप उनके अब राष्ट्रपति लगा दिया करिए। देखिए ये ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो शिक्षक भर्ती UPTET CTET SuperTET इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं। जौनपुर जनपद में ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। मेरी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क चलती हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो सभी साथियों से निवेदन है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करें, क्लास बंद कर दीजिए क्या, क्योंकि आप संख्या बढ़ने की जगह घटती जा रही है। चलिए देखिए कभी भी यदि केंद्र सरकार में कोई भी नियुक्ति पूछेगा आंख मूंद के राष्ट्रपति मारिएगा, 90% सही होगा। केंद्र सरकार की कोई भी नियुक्ति पूछता है अगर वहां पर राष्ट्रपति ऑप्शन दिया है आंख मूंद के लगाइएगा, 90% राष्ट्रपति सही होगा। और राज्य सरकार का अगर पूछ दे कोई भी नियुक्ति तो राज्यपाल लगाइएगा, 80% सही होगा। यह बात हमेशा जानते रहिएगा, क्योंकि ऐसे करने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आप परीक्षा हाल में कभी गलतियां नहीं करते। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट किसी को है? नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? सभी साथी फटाफट कमेंट करें किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज के इस प्रश्न का सही जवाब देता है। चलिए आइए, आप लोगों ने काफी सही जवाब दिया है। इसके बाद एक प्रश्न हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार।
आदमी जान लगा देना फिर भी नहीं करेंगे आप लोग। देखिए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो थल सेना का प्रमुख, तीनों सेनाओं के नायक, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के अन्य न्यायाधीश, ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, ये लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष किसी के सामने शपथ ग्रहण भी नहीं करता, क्योंकि ये ऑलरेडी शपथ ग्रहण कर चुका होता है। ठीक है, हमारे यहाँ सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं लंबी क्लास भी नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, और हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आज क्लास आपकी थोड़ी सी देर भी हो गई थी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के निर्वाचन आयोग सदस्यों की नियुक्ति करता है, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति से आप लोग जानते रहिएगा। आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, एकदम आसान एकदम हलवा प्रश्न है, ठीक, चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, डेली क्लास 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा सभी साथी, अगर आपको डेली पढ़ना है तब, बाकी आपकी इच्छा है। और ये सारी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आपको सर्च करना होता है दुर्गेश सर, और जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, यहाँ पे मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क पढ़ाता हूँ, और 9:30 बजे मेरी क्लास होती है, इसके अलावा 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे कंटिन्यू लगातार क्लासेज होती हैं अन्य विषयों की। इसके अलावा एक मेरा चैनल है मतलब ई लर्निंग विद दुर्गेश स्टडी विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और अन्य किसी भी सहायता के लिए, क्लास या नोट्स के लिए, आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप या पेपर जानकारी ले सकते हैं, ठीक, ये जौनपुर जनपद में अगर आप हैं तो आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क चलती हैं, और मैं ये चाहता हूँ आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें और एक गवर्नमेंट शिक्षक या शिक्षिका अध्यापक या अध्यापिका जरूर बने। ये क्लास आपको केवल मदद सरकारी अध्यापक बनाने के लिए की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा जो उच्च यहाँ पे अनुच्छेद 66 जो है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति द्वारा जो उपराष्ट्रपति होता है, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 के तहत ये इसकी निर्वाचन होती है संसद के दोनों सदनों द्वारा। लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करता है, क्या करता है, शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है शपथ, राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, और संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो, हाँ देखिए यहाँ पे गलती हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे शपथ राष्ट्रपति कराता है, इसलिए उपराष्ट्रपति जो यहाँ पे गलत होगा, नियुक्ति नहीं होती यहाँ पे, इसका क्या होता है निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसको कहते हैं निर्वाचन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है, इनकी क्या होती है नियुक्ति की जाती है, लेकिन इनका निर्वाचन होता है, इनका क्या होता है निर्वाचन होता है। इसलिए जिस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी जो गलत है वही सही होगा, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है वो होगा बी, क्योंकि उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 66 से शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति दिलाता है। मेरी बात को थोड़ा सा गलत ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक। संसद के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जिनको नहीं समझ में आई है वो कमेंट करके जरूर पूछेंगे।
ठीक है, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी वो कमेंट करके पूछेंगे, इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह यहाँ पर बी होगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है, कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की। जबकि प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है कौन? प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त बी होगा। इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? बी होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का मैं फिर से लिख दे रहा हूं, या निर्वाचन होता है, इसके तहत अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक, और कुछ सवाल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आप लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए। अगले दिन 9:30 बजे से क्लास होगी। ठीक, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप मेरा भी सर दर्द हो रहा है, सर में पेन हो रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी अन्य क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सभी क्लास के बारे में, कौन सी क्लास कब चलेगी, कभी कोई क्लास 1-2 मिनट लेट सवेर भी होता है तो उसकी भी सूचना आपको टेलीग्राम पे हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पे जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइव देखा है, अपना बेस्ट दिया है, कॉपियों पे नोट डाउन किया है, ईश्वर उनकी मदद जरूर करे, वे जब भी परीक्षा हाल में जाएं उनके सारे प्रश्न सारे विकल्प सही हो जाएं। और यकीनन आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बेहतर कर रहे हैं। जौनपुर जनपद के आसपास अगर आप हों तो ज़रूर मिलने आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, प्रतिदिन अपने 10-10 साथियों को जोड़िएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो परीक्षा हाल में आपको हूबहू पूछा जाएगा। इस बात की गारंटी है, जितना मैं पढ़ाऊँगा इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर ईश्वर ने साथ दिया, अगर मेहनत और आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका माता पिता का आशीर्वाद साथ रहा, तो आपको अगली बार अगले शिक्षक भर्ती में आपको नौकरी से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। बाकी नसीब भी थोड़ा बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर मेहनत है तो नसीब आपका झक मार के साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। एक छोटा सवाल है, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? इन दोनों सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे वीडियो खत्म होगा उसमें जरूर जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे अध्यापक, अध्यापक शिक्षकगण, देश के भावी वो स्तंभ जिससे देश का भविष्य टिका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।